नमस्कार देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक जैक। अगर आपको खाना चबाने में आलस आती है तो आप इसे अपने जबड़ों में फिट कर सकते हैं। एक ही बटन दबाते खाना चबाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो चबाने के लिए आप अपने मित्र की भी सहायता ले सकते हैं, अगर स्वाद में कोई दिक्कत ना हो तो। फिलहाल चलिए बनाते हैं इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक जैक। इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक जैक बनाने के लिए हम लेंगे एक गियर मोटर, लंबा नट एंड बोल्ट, एक खाली पेन। हाइड्रोलिक जैक बनाने के लिए मैं इस टीटी मोटर का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके ऑप्शन में आप N20 मोटर या फिर सर्वो मोटर भी यूज़ कर सकते हो, जो मिले वो लगा लेना। और क्या, अब हम इस नट बोल्ट को एंड तक अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अब मैं लूँगा ड्रिल मशीन और नट बोल्ट को इसमें फिक्स कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड अब मैं यहाँ पर फाइल का यूज़ कर रहा हूँ इसके हेड एंड बोल्ट की सरफेस को घिसने के लिए। इसे घिसकर हम राउंड बना देंगे जिससे काम करने में आसानी रहेगी और हम इसे ट्यूब के शेप में बना सकेंगे। इसे घिसने के बाद जो भी मेटल डस्ट पड़ा है उसे हम मैग्नेट से कलेक्ट कर देंगे। मेटल वेस्ट नहीं होता है, कभी काम आ सकता है। दोस्तों अब हम इसे ड्रिल में से निकाल देंगे और नट पर से बोल्ट निकालने के बाद वापस नट को ड्रिल मशीन के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर मैं हैक्सो का यूज़ करके इसके हेड को कट कर रहा हूँ। आप विदाउट ड्रिल मशीन भी इसे हैक्सो से कट कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। मैंने एक पैन में होल बनाया है कुछ इस साइज का। अब हम लेंगे नट और इसे कर देंगे इस होल में फिक्स। पूरा नहीं फिक्स करना है, आधा फिक्स करना है, और आधे पार्ट को हम लगाएंगे हम टीटी गियर मोटर की शाफ्ट में कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं। अब हम इस पेन की किडनी निकाल देंगे, तो मैं फटाफट इसकी किडनी निकाल लेता हूँ। हमें ज़रूरत है इसकी बॉडी की। अब मैं कटर की मदद से इसे स्क्रैच करके क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा। प्लास्टिक को क्रिस्टल क्लियर, तो मैंने इसे चिकनी चमेली बना दिया है। अब हम इसे थोड़ा मोटा बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं पेपर स्ट्रिप लपेट रहा हूँ। आप भी इस तरह से लपेट देना। पूरी पैन पे लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एंड के पोर्शन पे हमें इसे लगाना है। बोल्ट जितने थिकनेस होने के बाद हम इसे सुपर ग्लू से कवर करके सॉलिड बना देंगे। बोल्ट को मैंने एक साइड से रब कर दिया है। अब ये सुपर ग्लू से चिपक जाएगा। इसे मैं पेन के ऊपर लगा रहा हूँ जिस साइड हमने पेपर लगाया था। अच्छे से अलाइन करना ताकि यह सेंटर में फिक्स हो। तो मैंने इसे चिपका दिया है। इसे और मजबूती से चिपकाने के लिए मैं पेपर के एक और रोल इसके ऊपर लपेट रहा हूँ। पेपर को अच्छे से लपेटिएगा ताकि इसका शेप अच्छे से आए और टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगता, तो ध्यान रखना। ओके, इस तरह से रोल करके हम इसे और टाइट बना देंगे। तो मैं इसे अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। बाद में हम इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि पेपर सॉलिड हो जाए। इसे थोड़ी देर सूख देने के बाद हम इसे मोटर के ऊपर लगा देंगे। वैसे तो यही है हमारा हाइड्रोलिक जैक, बट इसके ऊपर मैं और भी कुछ करने वाला हूँ जो इसका लुक एंड काम और भी अच्छा कर देगा, तो वीडियो को देखते रहना। इसे अब हम मोटर के ऊपर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक वायरिंग की पाइप कुछ इस तरह की। इसे हम यहाँ पर रख के इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको हैक्सो की मदद से कट कर लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। इसकी एक साइड में हमें चार स्लॉट बनाने हैं कुछ इस तरह से। मैंने स्लॉट बना लिया है। अब हम इस पाइप को मोटर के ऊपर फिक्स करेंगे और एडजस्ट करने के बाद सुपर ग्लू से इसे चिपका देंगे। अब मैं यहाँ पर मैं फेविकॉल की बोतल का ढक्कन ले रहा हूँ। इसकी चोटी काट कर हम इसके ऊपर एक होल बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे मोटर और इसकी पाइप के ऊपर लगाएंगे हॉट ग्लू। हॉट ग्लू लगाने के बाद हमने जो ढक्कन कट किया था उसे इसके ऊपर दबा कर फिट कर देंगे। अच्छे से फिट करना, निकलना नहीं चाहिए। फिट होने के बाद हॉट ग्लू से मैं इस सरफेस को फ्लैट कर लेता हूँ। पाइप एंड मोटर को भी हॉट ग्लू का यूज़ करके अच्छे से चिपकाएंगे। अब बारी है दुल्हन के मेकअप की। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो ऑयल पेंट। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
मेरे पास येलो कलर पड़ा था तो मैं येलो कलर कर रहा हूँ। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उससे भी पेंट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दो ना यार, क्या जाता है तुम्हारा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो कलर सूख गया है, यूज़ करते समय इसकी सॉफ्ट घूमनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक मेटल रॉड लगा रहा हूँ ताकि ये घूमे नहीं। अब हम इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर चलाकर देखते हैं। इसके घूमने वाले पार्ट को मैंने पीवीसी पाइप से कवर कर दिया है। अब ये प्रोजेक्ट में कहीं पर भी टच होकर रुकेगा नहीं, मतलब अब आप इसे प्रोजेक्ट में छोटी छोटी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप ट्रक, जेसीबी, रोबोटिक आर्म या फिर अपनी कोई डिज़ाइन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 100 RPM की मोटर ली है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। अगर आपको फास्ट में चलने वाली जैक बनानी है तो आप ज़्यादा RPM वाली मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाइड्रोलिक जैक से मैं क्या बनाने वाला हूँ जानने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, कमेंट करके गैस भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बी क्रिएटिव, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।